बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी के सीईओ को लिखी चिट्ठी में शशांक मनोहर ने निजी कारणों का हवाला देते हुए चेयरमैन पद छोड़ने की बात कही है। आपको बता दें, शशांक मनोहर पिछले साल मई में आईसीसी के चेयरमैन बने थे और महज 8 महीने में ही अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल 2 साल का था। दरअसल मई 2016 में शशांक मनोहर बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके 2 दिन बाद ही उन्हें आईसीसी का पहला इंडिपेंडेंट चेयरमैन चुना गया। शशांक मनोहर ने अब निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनके इस्तीफे की वजह आईसीसी का बीसीसीआई और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से टकराव भी हो सकती है। और बुलेटिन के आखिर में आपको टेस्ट क्रिकेट इतिहास के बारे में बता दें, क्योंकि आज टेस्ट क्रिकेट का हैप्पी बर्थडे है। आपको बता दें कि आज से ठीक 140 साल पहले 15 मार्च 1877 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर हुई थी और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रन से शिकस्त दी थी। टेस्ट क्रिकेट की पहली बॉल अल्फ्रेड शॉ ने फेंकी थी और टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक चार्ल्स बैनरमैन ने लगाया था। दुनिया का पहला टेस्ट मैच 4 दिनों तक खेला गया था। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।